लो साहब, आपका हॉस्पिटल आ गया। अच्छा आओ माँ, संभाल के हैं, आराम से। अच्छा यहाँ बैठो। मैं अभी रिक्शा के पैसे देकर आता हूँ। ये लो भैया, 7 रुपए। ये क्या साहब, अरे 7 रुपए नहीं, 28 रुपए हुए। क्या इतने कैसे हुए? अरे इस मशीन में तो 7 रुपए लिखे। क्यों हमें गांव वाला समझकर लूटना चाहते हो? वाह रे वाह, हमसे 420 ही करते हो। ए साहब, अपने को 420 नहीं बोलेगा क्या? ये लो कार्ड देख लो। अरे बड़ा आया कार्ड वाला, हम तो तुम्हें सिर्फ 7 रुपए देंगे बस। लेना तो लो, पर हम चलते हैं। हाँ। ए भाई यादव, होशियारी मत दिखा, मेरे पैसे निकाल। तो नहीं दूंगा तो क्या कर लेगा? हाँ? अरे तुम लोग झगड़ा क्यों कर रहे हो? अरे डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्ते। आप इसी अस्पताल के हैं? जी हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, हमारा नाम अमर है, हम राजगढ़ गांव के हैं। आपके अस्पताल में जो डॉक्टर माथुर है ना, हमारे गांव के हैं, आप उन्हें जानते हैं? जी जी हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, उन्होंने हमें यहाँ हमारे माँ के इलाज के लिए बुलाया है। अच्छा। अरे भैया अपन के पास टाइम नहीं है, अपन के पैसे निकालो। हाँ डॉक्टर साहब, अब आप ही फैसला कीजिए। इस ससुरे के मशीन में 7 रुपए लिखे हैं। हाँ? अरे आपसे 28 रुपए मांग रहा है, ये लूटना है या नहीं? क्या नाम बताता तुमने? अमर। हाँ देखो अमर, इसके मीटर के हिसाब से 1 रुपए का मतलब 4 रुपए होते हैं। तुम्हारे हुए 7 रुपए, तो 28 रुपए हुए कि नहीं? अच्छा अच्छा अच्छा, 1 के सीधे 4 बन जाते थे। ठीक है, आप कहते तो हम दे देते। आओ आओ, ये लो 10, 20, 30, आपके 28 हो ना, तो ये 2 रुपए बचिस। हम गांव वाले बड़े दिलदार होते हैं। तेरे को ले जाऊंगा शेरे पंजाब, वहां तेरे को बुलाऊंगा लस्सी, फिर करेंगे थोड़ा रोमांस। देख तू है छोटी सी नर्स, मैं हूँ छोटा सा वार्ड बॉय। अगर हम दोनों की शादी होगी ना, जो बच्चा पैदा होगा वो होगा बड़ा डॉक्टर। शट अप, अपनी ड्यूटी करो। वही तो कर रहा हूँ। चली गई, कोई बात नहीं। चलो चलो, टाइम हो गया, वो डॉक्टरानी वेट कर रही है, चेकअप का टाइम हो गया। चलो जी। मुझे माफ कर दीजिए। एक तो जानबूझकर लड़की से टकराते हो, ऊपर से माफी मांगने का ड्रामा करते हो। जी जी, मुझसे गलती हो गई। गलती हो गई, हाथ जोड़कर माफी मांगो। जी जी, मुझे माफ कर दीजिए। या प्रीति, तेरी मजाक करने की आदत अब तक गई नहीं? आप मजाक कर रही थी? हाँ, हर किसी के साथ मजाक करती रहती है सारी अमर। अरे नहीं, मेरी सहेली बहुत मजाकिया है, वो हमेशा इसकी बात का बुरा मत मानना प्लीज। अरे नहीं नहीं। और हाँ, जल्दी से जाकर दवाइयाँ ले आओ। मैं जा सकता हूँ? जाइए। बहुत सीधा है, तू मुझे मरवा देगी किसी दिन यार। भाई साहब जी, आप यहाँ दवाइयाँ खरीद रहे हैं? हाँ जी। अच्छा अच्छा, मेरी माँ बीमार है, मैं भी यहाँ दवाइयाँ खरीद आया हूँ। ₹500? ₹500 हो गया भाई साहब? मेरा वो पर्स साहब, साहब वो आदमी पर्स खो गया आपका? अच्छा देखिए साहब जी, आज आप मुझे ये दवाइयाँ दे दीजिए, कल मैं आपको पैसे दे दूंगा। मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। देखिए ये कोई खराती अस्पताल नहीं है, आप जा सकते हैं। भाई साहब मैं आपके सामने हाथ छोड़ता हूँ, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। जाइए यहाँ से। देखिए कहा मैंने आपसे, एक बार जा सकते हैं आप। क्यों बादशाह, ये आपके चेहरे पे 12 क्यों बजे हुए हैं? आज सवेरे किसी ने मेरी जेब मार ली, सारी जमा पूंजी चली गई। ओ बादशाह महाराज, चिंता ना करो, और तुम्हारी पूंजी तुमको वापस मिल जाएगी। कैसे, तुम पुलिस में किसी को जानते हो? अरे पुलिस में नहीं, एक हमारा मित्र है, वो गरीबों का रखवाला है, उसके नाम से बदमाशों की हवा पुश करके निकल जाती है। वो अच्छों के साथ अच्छा है और जेब कतरों के साथ जेब कतरा है, यानी के बहुत बैड है। क्या नाम है उसका? उसका नाम जेम्स बॉन्ड शीन कॉनरी 009। Cheers!
अमर, ये रहा तुम्हारा मुजरिम। यही वो जेब कतरा जिसने मेरा पर्स बना था। निकालो निकालो, मेरा पर्स कहाँ है, निकालो। ए देव कालिया, देखता क्या है, निकाल इसका पर्स। अबे निकाल। ये लो अमर। आज आपने मुसीबत में मेरी मदद करके जो एहसान किया, उसे मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अमर, इंसान ही इंसान के काम आता है। जब भी जिंदगी में जरूरत हो तो मुझे याद कर लेना। वाह 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 वाह, आप आए हमारे घर पर, खुदा की कुदरत। कभी हम आपको देखते हैं, कभी अपने घर को। आज किस पर बिजली गिराने का इरादा है? तुम पर। मुझ पर? अरे मुझ पर क्यों, मैं तो तुम्हारी इंतजार में बैठा बैठा दारू पी रहा था। देखो मिस्टर, शराफत का तकाजा यह है कि तुम इस वक्त मेरा हाथ छोड़ दो। क्यों, कोई दूसरा चाहने वाला मिल गया क्या? काफी समझदार हो, मगर ये मत भूलो कि मैं कोई बुढ़ी नहीं, जवान हूँ, खूबसूरत हूँ। जिस मोहल्ले में पहुंच जाती हूँ वहाँ हल्ला मच जाता है। हल्ला क्यों? हल्ला मच जाता है। पूजा बेटी, ये कौन सी बीमारी लग गई है मुझे? माँ जी, जैसी ही रिपोर्ट आ जाएगी बीमारी का पता भी चल जाएगा। डॉक्टर साहब, आपके भाई साहब आए हुए हैं। कहाँ है वो? हॉस्टल में। माँ जी मैं। ओए भले ही भले। ओए डार्लिंग रोजी, मेरी बाह में आ जा, हो जाएगी कोजी कोजी। सपत, व्हाट नॉनसेंस इज दिस? ओए नॉनसेंस नहीं है, ए प्यार दा सेंस है। ओए डार्लिंग, गिव मी वन चांस, फिर देख इस पंजाब दे पट्टे दा रोमांस। यू मंकी चड्डी वाला। ओ मैंने पहन रखी है चड्डी, लेकिन खेलूंगा मैं तेरे साथ जोरदार कबड्डी। देखो मैन, ड्यूटी के टाइम पे हमको डिस्टर्ब नहीं करने का, हमको जाने दो। ओए ड्यूटी तो हो जाएगी 5 बजे खत्म, उसके बाद ले जाऊंगा मैं तेरे को होटल शेरे पंजाब, वहाँ खिलाऊंगा तेरे को मक्की की रोटी और सरसों का साग। अरे कुड़िये, तेरे खुल जाएंगे भाग। अरे पिएगी जब तू लस्सी, फिर तो तू संपत के साथ 100% फंसी। ओ यू शट अप। ओ शट अप शट अप मत बोल। ओ कम ऑन बोल। ओ यू गुड हेड। ओए भैया। कैसी है मेरी पूजा? बहुत नाराज हूँ भैया, आप तो संडे को आने वाले थे, फिर 4 दिन देर से क्यों आए? अरे भाई मैं अपने कारोबार के काम से बाहर चला गया था, जैसे लौटा सीधा यहाँ चला आया। ठीक है, देखो इस बार मैं अपनी शिकायत वापस ले लेती हूँ, लेकिन अगली बार ऐसे किया तो फिर अपने भैया के कान काट के मुझे दे देना। अरे भाभी, आई मीन वुड बी भाभी, कहाँ थी अब तक? छुप छुप के भाई बहन का इमोशनल सीन देख रही थी। ये देखो तुम्हारे भैया तुम्हारी क्या क्या लाए हैं। भैया, मेरे लिए तो आप सारा बाजार खरीद लाते हो, मगर खुद के लिए कभी एक रुमाल भी नहीं लाते। इसीलिए कहती हूँ मेरी होने वाली भाभी के साथ जल्दी घर बसा लीजिए, ताकि कोई तो हो जो आपका ख्याल रख सके। चुप, बहुत बोलने लग गई तू, पहले मैं तेरे हाथ पीले करूंगा भैया, फिर अपने बारे में सोचूंगा। बस मेरी सिर्फ एक ही तमन्ना है पूजा, कि तेरा कोर्स जल्द से जल्द खत्म हो जाए, तू एक बहुत बड़ी डॉक्टर बने, तेरा घर बस जाए, तुझे दुनिया की सारी खुशियां मिले। सरिता डार्लिंग, मैं आ गया। अरे वाह, आज तो आपने कमाल ही कर दिया, वादे से 1 घंटा पहले ही आ गए। 1 घंटा पहले आ गए तो कोई बात नहीं, मैं भी चला जाता हूँ, 1 घंटे बाद वापस आ जाऊंगा। बाय बाय। ओ माँ, ओ, ओ, अरे अरे अरे, मेरे क्या हुआ, क्या हुआ, पेट क्यों दुख रहा है? मैं एम्बुलेंस लेकर आऊँ? नहीं नहीं नहीं, नर्सिंग होम में फोन करता हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं। अरे मगर तुम पेट क्यों दबा रही हो? आप पेट नहीं दबाऊं तो क्या करूं? तुम्हारा लाडला बेटा क्रिकेट की प्रैक्टिस कर रहा है, धनाधन चौके छक्के मार रहा है। अच्छा तो ये मामला है, एक बात कान खोल के सुन लो, वो बेटा नहीं है, बेटी है जो तुम्हारे पेट के स्टेज पर भारतनाट्यम की प्रैक्टिस कर रही है। नहीं बेटा। नहीं बेटी है।
बेटी नहीं बेटा 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 बेटी 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 अच्छा 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 बाबा अच्छा तुम जीती मैं हार गया बस खुश बस बस बेटी 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 आगे ना रास्ते पर मजबूर मानना पड़ता है लेकिन तुम भी रास्ते पे आ जाओ को पार्टी में चलना है वो क्या नाम है दोनों का कस्तूरी और प्यारी हाँ वो दोनों पार्टी में इंतजार करेंगे चलो चलो जाओ अच्छा मैं अभी तैयार होकर आती हूँ संभल के